सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी कोर से हैट्रिक बना रहे हैं आज जरगवा के साथ, क्योंकि वानखड़े में हो रहा है मैच आजकल, और इसलिए आज क्रिकेट की बात शुरू करते हैं। आज सुपर बॉलिंग में आज लगातार तीसरा बैक टू बैक जरगवा आपके पास, 4 दिसंबर नए जरगवा में सुपर सैटरडे को लाए आपके पास कुछ खास साधन जय जितेंद्र के साथ। जिसको सबका डर था वो हो ही गया, बचाते बचाते ओमिक्रॉन हमारे देश में दस्तक दे ही गया, 30 देशों के अंदर हमारे भारत का भी नाम आ गया और उन सैकड़ों के अंदर चंद हमारे भारत में भी है। अब इससे बचाव कैसे करना है, घर में बैठकर इसकी बीमारी से कैसे लड़ना है, उसके बारे में कल आपसे करेंगे सुपर संडे को बात। पर आज कर रहे हैं हम कुछ खास बात आपके साथ। आप अगर में से कोई हिंदू होता है वे अपने करोड़ों देवी देवता को मानता है, कोई सिख भाई होते हैं वे अपने गुरुओं को मानते हैं, कोई ईसाई होते हैं वे अपने क्राइस्ट को मानते हैं, कोई मुस्लिम भाई होते हैं वे अपने पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, कोई बुद्ध के धर्म के अनुयायी होते हैं वो महात्मा बुद्ध को मानते हैं। पर एक धर्म ऐसा भी है जिनके अनुयायी हैं वह अपने धर्म को तो मानते ही हैं पर उससे ज्यादा वे शेरे वाली माता के पास भी जाएंगे, वे बालाजी भी जाएंगे, वे शिरडी भी जाएंगे, वे साईं बाबा को भी मानेंगे और मजारों में भी जाएंगे। वो कहते हैं कि हम हर को मानते हैं क्योंकि हम तो सर्वधर्म के देश के अंदर रहते हैं। पर क्या इस तरीके से जैन संस्कृति, जैन धर्म, जैन 18,500 चला पाएंगे हम? अरे 40 करोड़ से 44 लाख तक सिमट गए हैं, अब आगे कितना सिमटना चाहते हैं हम? अदालत ने 10 बार निर्णय में सिद्ध कर दिया कि जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग है, पर हम लोग ऐसे हैं कि हम हिंदू धर्म के अंदर जैन धर्म को मिलाने की कोशिशों में लगे हैं। क्या इस तरीके से अदालतें अगली बार कह पाएंगी जब इस तरह के प्रमाण होंगे जिनके बारे में आज कर रहे हैं आपसे एक खुलासा। जैन धर्म पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम खुद, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला क्या कहलाता है, सोचने वाली बात है। अति बुद्धिमान, अति शिक्षित, लिटरेट कहे जाते हैं, संपन्न कहे जाते हैं, तभी तो जगह जगह हम मुंह मारने चले जाते हैं। बुरा लगे या कहियो आपको इन चित्रों को देखकर हम हकीकत में आइए। हमें एक सज्जन ने चित्र भेजे जैन भाई ने, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया है और पर उन्होंने चित्र हम कुछ दिखा रहे हैं, उन्होंने 85 ऐसे चित्र भेज दिए हैं। अफसोस होता है कि आज हम अपने जैन मंदिरों के अंदर हम देवियों की मूर्तियां लगाने लगे हैं, शिवलिंग रखने लगे हैं और शिवलिंग पर अभिषेक करने लगे हैं। ऐसे चित्रों के प्रमाण देकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें अफसोस होता है कि हम इन्हीं के द्वारा अपनी विरासतों को बचा पाएंगे। अरे हम जो बार-बार कहते हैं कि हमारी विरासत लुट रही है, हकीकत में जब इस तरह आएंगे 10-20 साल भी ज्यादा नहीं लगेंगे कि हमारी विरासतें अब दूसरे नाम से पुकारी जाएंगी, किसी देवी के नाम पर, किसी देवता के नाम पर, किसी भगवान के नाम पर, किसी मजार के नाम पर सब पलट दी जाएंगी। अगर हमारे मंदिरों के अंदर हमारी तीर्थंकर मुजात आप इस तरह की मूर्ति को विराजित करके हमारे ही जैन भक्त आके उन साधुओं के साथ जाके पूजा पाठ करते हैं उनकी, वास्तव में हम सम्यक दर्शन के नहीं मिथ्यात्व का पोषक करते हैं। क्या सीखा है हमने जैन धर्म से, जैन अनुयायी बनकर, जैन कुल बजार में कर, कि हम इस तरीके से बात करते हैं? हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि बात ऊपर से शुरू होती है, नीचे वाला आके अनुयायी बन जाता है। यही नहीं है, अब तो बाकायदा देखा होगा जगह जगह अपने नवरात्र मनाए जाते हैं, 9 दिन देवियों की पूजा की जाती है, अलग अलग तरह की अब तो कोर्स चल दिए हैं कि आप ये वाला कोर्स करो। हैरानगी की बात है, अगर आपको कोई बीमारी है, डिप्रेशन आदि है, तो आप रुद्राक्ष की माला पहन लो, तरह तरह की माता माला मंत्र कहते हैं, कई तरह के तो हम झाड़ फूक करवाने पहुंच जाते हैं, हाथ और पैर में काले रंग का धागा लपेटने चले जाते हैं, कमर पर लपेट लेते हैं, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। हमारा मंत्र तंत्र में कहां विश्वास करके हम जैन धर्म के होकर हम जैन धर्म से नीचे गिरा रहे हैं। कल हम अदालत में जब खड़े होंगे तो जज हमसे यही पूछेगा, तुम्हारी तीर्थंकर की मूर्ति है, देवी की मूर्ति है? अरे देवी की मूर्ति है इसलिए हिंदू धर्म की है। हमारा धर्म अगर बचाना है, 10-20 साल से ज्यादा चलाना है, तो इन सब को रोकना होगा, नहीं तो अगली पीढ़ी का मत विश्वास कीजिए, अपनी पीढ़ी के अंतिम दिनों में हम जैन धर्म की इसी तरह हम तिलांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मेद शिखर जी बना आचार्य पदारोहण दिवस त्रिदिवसीय प्रोग्राम हुआ पिछली परिवर्तन के साथ, कहते यादगार रहेगा सब मेद शिखर को यह कार्यक्रम जो हुआ 3 दिवस के अंदर, आचार्य पदारोहण दिवस और पिछली परिवर्तन हुआ आचार्य प्रसन्न साहब, जो इस समय सिंह निष्कृत वन भी कर रहे हैं साथ में मौन साधना भी, और उन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया आचार्य विष्णु सागर के साथ अपने वहां पर विराजमान वयोवृद्ध संभव सागर जी, जो आजीवन अन्न के त्यागी हैं,
षट रस के त्यागी हैं। ऐसे वयोवृद्ध आचार्य के जब पाद प्रक्षालन करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, कहते हैं अपने कर्मों की निर्जरा स्वभाव से होने लगती है। ऐसे मौके मिले जब पूरे के पूरे संघ में विराजे थे आचार्य प्रसन्न सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य निरंजन सागर जी, उपाध्याय विप्रण सागर जी, मुनि पीयूष सागर जी और मुनि पुण्य सागर जी, संग सारे विराजमान थे वहां पर जब यह कार्यक्रम हो रहा था, जिसके दृश्य कुछ दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और यही नहीं, आचार्य संभव सागर जी वयोवृद्ध नहीं, अपने हाथों से आचार्य प्रसन्न सागर जी को जब पीछे दी, कहते हैं गदगद हो गया एक संत दूसरे संत से पीछे लेकर। अभी तक तो क्या है, श्रावक आगे पीछे पकड़ा देता है और पीछे आगे दे दी जाती है, पर जब वयोवृद्ध आचार्य से पीछे मिलती है तो सबसे पहली दीक्षा के क्षण याद आते हैं जब अपने गुरु से पीछे ली जाती है पहली बार। ऐसे दृश्य थे। और फिर उनके बाद उन्हें नया कमंडलू भी दिया गया, स्वस्तिक बनाया वयोवृद्ध गुरुवर ने और उनको प्रसन्न कर दिया। कहते हैं उनसे ही जैसे इशारों हुए, इशारों में कैसे कुशल मंगल हैं, कैसे व्रत चल रहे हैं, कैसी मौत, कहते हैं सब बढ़िया है, बस मुस्कुरा दिए प्रसन्न सागर जी सिंह निश्चित वर और मौन साधना करते करते। यही नहीं, इन तीन दिवसों का जो कार्यक्रम और तीन दिवसीय का इसका निर्देशन किया मुनिषी पीयूष सागर ने कुशल रूप से। सभी वेदियों पर अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई, यहां पर सम्मेद शिखर विधान भी किया गया। और यही नहीं, यहां पर आचार्य प्रसन्न सागर जी की महा आरती के भी कार्यक्रम, बहुत बड़े कार्यक्रम रहे जो ये थे कार्यक्रम। यहां पर जो देखा गदगद हो उठा। और साथ में हुआ रहा आचार्य विशुद्ध सागर जी का पिछी परिवर्तन का। इन्होंने जो हमारे आचार्य प्रसन्न सागर जी थे ना, उनके खास भक्त को ही इन्होंने अपनी पिछी प्रदान की थी। दृश्य देखने वाले थे गदगद हो गए जो उस समय शिखर जी में थे। और कल है 5 दिसंबर, अरे क्या बता दी, जब आज 4 है तो कल 5 हो गई, ये तो हर कोई नहीं बता दी। और हाँ, कुछ जानते भी होंगे, आज अमावस तो कल शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, यानी चंद्रमा बड़ा होता जा रहा है, 1 अंक की तारीख है। पर हाँ, इसके साथ कोई नई खास बात है, इसी दिन हमारे 9वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याण का दिन है। जी हाँ, 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु के जाने के 90 करोड़ सागर बाद काकंदीपुर में, कहते हैं महाराजा सुग्रीव की महारानी जयरामा के गर्भ से आपका इसी दिन जन्म होता है। कहते हैं मंगसिरी शुक्ल 1 के दिन, उसके 15वां पहले अवधि ज्ञान से सौधर्म इंद्र स्वर्ग में पता कर लेता है कि अब एक तीर्थंकर जीव का जन्म होने वाला है। वह कुबेर को आज्ञा देता है, जाओ रत्न बरसाना शुरू कर दो अब से। और फिर कुबेर आता है सुबह दोपहर शाम लगातार, तीनों समय तीनों पहर में 3.5 करोड़ की रचनों की व्रत लगातार राजमहल पर करता रहता है आज के दिन तक, यानी 15 माह तक। और आप जरा जन्म 600 फुट ऊंचा कद और 2 लाख पुरुष वर्ष पूर्व की आयु, आप कहेंगे 2 लाख वर्ष के बाद पूर्व किया है, पूर्व जानते हैं आप, आपके कैलकुलेटर में गिनती नहीं आएगी। एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग के बराबर, और पूर्वांग एक होता है 84 लाख वर्ष के बराबर, यानी 84 लाख गुणा 2 लाख, इतनी लंबी आयु होती है आपकी। आप 50,000 वर्ष का राज्य करते हैं और फिर एक दिन राजमहल पर जब आप खड़े होते हैं, उल्कापात आकाश में देखते हैं, ओहो ऐसे झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, तो जीवन तो निसार है। और तुरंत आप चल देते हैं, तब के लिए सब कुछ राजपाट छोड़ देते हैं। यह है वैराग्य की भावना, कहते हैं सब कुछ होता है और सब कुछ छोड़ दिया जाता है एक पल के अंदर। पहुंच जाते हैं वन में और फिर आप 4 वर्ष का कठोर तप करते हैं। आपका जो है केवली काल 1 लाख वर्ष पूर्व, यानी इतना केवली काल शायद किसी का नहीं है कि आधे जीवन से भी ज्यादा आपका रहा हो। बोलिए अपने 9वें तीर्थंकर पुष्पन भगवान के जन्म तप कल्याण की जय जय जय। और ये काकंदीपुर का ललाट देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभी मंदिर नहीं है पर यह इसकी पहचान है, इस काकंदीपुर में उनके धरा की। अब एक और सिद्ध क्षेत्र की बात करें, पावागढ़ की बात करते हैं, जहां पर गत 29 नवंबर को यह कार्यक्रम हुए, जिसके चित्र आप देख रहे हैं। याग विधान हुआ मुंबई में जो पंचकलाय था, वहां से मूर्तियां जो आई थी वो यहाँ पर बगिया जो नीचे तलहटी में, वहां के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजित की गई। यहाँ पर कई वातों के कमरे बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों के लिए अब ठहरने की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। आप जानते ही हैं पहाड़ी के ऊपर 7 मंदिर हैं, धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अब सुंदरता और सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। और अब जाते जाते आपको कुछ और दिखाते हैं, आनंद की बात जाते हैं, हम आपको जोधपुर चलते हैं उम्मेद पैलेस पे, ये देख रहे हैं आप। अरे अरे पूरा महल जल गया, नहीं नहीं ये लाइटिंग है भैया, परेशान मत हो, लाइटिंग देख रहे हैं अभी उम्मेद राजमहल के ऊपर। कहते हैं इस लाइटिंग को देखने के लिए बड़ी मोटी फीस देनी पड़ती है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं 3,000 की फीस है, शो की हम पुष्टि तो नहीं करते, पर कहते हैं यहाँ लाइटिंग गजब की है। कोरोना के कारण कुछ दिन लोग नहीं देख पाए, अब फिर कहते हैं रंगों में बाहर आ रही है लाइटिंग, यहाँ पर जोरों पर हर को नजरें चार कर रही है। देखिए, और कल फिर मिलेंगे आपसे ओमरी कौन
कैसे ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कितना 5 गुना खतरनाक है और कैसे इसको बचना है, एक संत से भी सुनाएंगे। कहते हैं घर में ही इसका इलाज कर पाएंगे। खास बात संडे सुपर संडे, कल मिलेंगे फिर आपसे रोज की तरह 8 बजे इसी तरह सुहानी रात। सादर जय जिनेंद्र।